हे गाइस वेलकम बैक, हियर आई एम यश पांडे एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे आपको सेटअप करना है अपना क्लिक बैंक अकाउंट। मैं ऑलरेडी एक अकाउंट अभी हाल नया बनाया है, लोग कहते हैं मेरा अकाउंट नहीं बनता। मैंने अभी रिसेंटली एक अकाउंट बनाया है कल ही, जिस अकाउंट को मैं खोल के दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल MPT अकाउंट है। उसमें मैं आपको सेटिंग करके बताऊंगा कि कैसे आपको सेटिंग्स करनी है पेमेंट की और कब आपको पेमेंट मिलेगा आपका पहला, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं। तो देखिए इस वीडियो को आखिर तक एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचते रहें। सो गाइस लेट गेट स्टार्टेड गाइस। ये है मेरा क्लिक बैंक का डैशबोर्ड एंड ये मेरी बिल्कुल फ्रेश आईडी है, इसका नाम है यश 9450 एंड इसके पहले जो मेरी आईडी थी 9984 यश। और ये डैशबोर्ड बिल्कुल एम्प्टी है, जीरो सेल्स गाइस एंड जीरो डैशबोर्ड, कुछ नहीं है इसमें। मैं सेल करके भी दिखाऊंगा आपको अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तो अब हम बात करते हैं इसकी सेटिंग्स की। तो सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंट सेटिंग्स पे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखते हैं नीचे क्या ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पे मेरी ईमेल, मेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, हम इसको नीचे जाएंगे पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे, लास्ट में एडिट का ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। और इसमें पेमेंट थ्रेशोल्ड, आप कितना पेमेंट, मतलब कितना अमाउंट आपके में हो जाए तब आपके पास पेमेंट आए। तो $100 के ऊपर अगर आप चाहते हैं तो ये, वरना आप $10 से भी कर सकते हैं। $10 कर देंगे मतलब जैसे आपकी $40 की सेल हुई तो आपके पास पेमेंट आ जाएगा। बट इसके पीछे भी कई टर्म एंड कंडीशन है जो कि मैं आपको अभी बताऊँगा। फिर उसके बाद $10 के बाद पेमेंट मेथड में चेक और डायरेक्ट डिपॉजिट। मैं डायरेक्ट डिपॉजिट ही लेता हूँ क्योंकि मुझे अपने डायरेक्ट अकाउंट में रुपये आना ज़्यादा पसंद है। चेक काफ़ी डिले लगता है मुझे। फिर पेमेंट फ्रिक्वेंसी वीकली, बाई वीकली, हम वीकली करेंगे सिलेक्ट। एंड देन आपको कंट्री चूज़ करनी है जिसमें आपका अकाउंट है, तो मैं करूँगा इंडिया। बैंक सिटी, तो बेसिकली मेरी सिटी उरई, जहाँ का मेरा ये बैंक अकाउंट है, इंडियन बैंक। और मैं अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल दूंगा, अकाउंट नंबर एंड IFC कोड। तो मैं जल्दी से आपको डाल के बाद में दिखाता हूँ। जैसे कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन डाल चुका हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, मैंने ब्लर कर दिया इसको। बट अब हम करेंगे सेव चेंजेस। इस इन्फॉर्मेशन के बाद आपको अपना अकाउंट नंबर और IFC कोड डालना है, देन आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी। एंड आपको एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा अपनी ईमेल से, जब आप जो नया अकाउंट बनाएंगे, जैसे कि ऊपर देख सकते हैं योर इन्फॉर्मेशन मस्ट बी कन्फर्म बाय योर ईमेल। तो आप जैसे ही अपनी ईमेल पे जाएंगे तो यहाँ से आप कन्फर्म हो जाएगी। तो आपको ये कन्फर्म करना ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप कन्फर्म नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक। तो बस आपको ईमेल में जाना है, वहाँ आप क्लिक बैंक ने एक लिंक सेंड की होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल कन्फर्म हो जाएगा। सो बैंक इन्फॉर्मेशन डल गई है। अब बात करें पेमेंट कितना टाइम लेता है, तो क्लिक बैंक की कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन ये है कि आपको स्टार्टिंग में 5 सेल्स चाहिए होगी ताकि आपके पास पेमेंट आ सके। स्टार्टिंग में 5 सेल अलग अलग पेमेंट मोड से, मतलब अलग अलग बंदे 5 चीज़ें खरीदें, आप खुद ही नहीं खरीद सकते, अलग अलग IP एड्रेस भी होने चाहिए। तो जैसे आपकी एक सेल हुई, उसके बाद अप सेल्स हो गई, अप सेल्स मतलब एक प्रोडक्ट के अंदर और भी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनको सेल्स में काउंट नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ एक ही सेल मानी जाएगी। तो ऐसी आपको एक सेल नहीं 5 सेल करनी जाएगी, 5 सेल हो जाएंगी, उसके बाद 21 डेज लेगा ये, 21 दिन आपके अकाउंट में रुपए ट्रांसफ़र करने के लिए। और ये जो रुपए ट्रांसफ़र होंगे वो होंगे ऑन वेडनेसडे, कभी कभार ये फिक्स वेडनेसडे को हो जाता है, कभी एक दिन लेट, कभी दो दिन लेट। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, मेरा भी पेमेंट कभी कभार दो दिन लेट आया है एंड कभी कभी उसी दिन आ जाता है। सो हर फिर 21 दिन बाद जब वेडनेसडे को आपका पेमेंट आएगा, फिर आपने उसके अगले हफ्ते जो अर्निंग की होगी उसका 21 दिन बाद आएगा। फिर तो ऐसे ऐसे जब आपके 21 दिन हो जाएंगे, उसके बाद हर हफ्ते आपका पेमेंट आने लगेगा, मतलब हर वेडनेसडे को आपका पेमेंट आएगा, जैसे कि मेरा आता है। अभी तक मेरा रेगुलरली हर हफ्ते को पेमेंट आता है गाइस, एंड जो पिछले 21 दिन का वो पेमेंट अभी इस हफ्ते आएगा। सो गाइस ऐसे आपका एक रोटेशन बन जाता है और आपको हर हफ्ते इनकम मिलती है और सेल मिलती है और आपके अकाउंट में रुपए आते हैं। कैसे सेल करना है ये मैं ऑलरेडी कई वीडियो शेयर कर चुका हूँ अपने इस चैनल पे गाइस, और आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मेकिंग पैसिव इनकम ऑनलाइन गाइस। फेसबुक एड्स सिखाता हूँ मैं, बिंग एड्स सिखाता हूँ, काफ़ी कुछ सिखाता हूँ। तो आप मेरे कोर्स के लिए भी मुझे नंबर है नीचे, उस पर व्हाट्सएप करिए गाइस। कॉल मत करना क्योंकि मैं कॉल नहीं उठाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की कॉल आती है इसलिए। तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप। एंड गाइस मैं इस अकाउंट को जल्दी ही सेल्स से फिल करने वाला हूँ, ये बिल्कुल MPT अकाउंट है गाइस। सो चलते हैं नई जर्नी पे गाइस। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, पीस आउट।